दोस्तों आज मैं एक साइंस फिक्शन फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म की कहानी 30 बच्चों की है जिन्हें 86 सालों के लिए एक स्पेसशिप से दूसरे प्लैनेट की तरफ भेज दिया जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती जल्द ही नष्ट होने वाली है, इसलिए इंसानों को एक नया घर ढूंढना होगा। इसके बाद में हम एक वुमेन साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि स्क्रीन पर एक ग्रह को दिखा रही होती है। वो बाकी के साइंटिस्ट से कहती है कि ये प्लैनेट हमारे रहने के लायक है, लेकिन इस ग्रह तक पहुँचने में हमें 86 साल लगेंगे, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि 86 सालों में हम स्पेस में बूढ़े होकर के मर जाएंगे। इसलिए सभी साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि वो ग्रह पर 30 बच्चों को भेजेंगे। इसके बाद में हम रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि 30 बच्चों को लैब में पैदा करता है और उन बच्चों की देखरेख करता है, और वो उन बच्चों को लैब से कभी बाहर भी नहीं जाने देता और ना ही उन्हें धरती के बारे में बताया जाता है। ये बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इन सबको वो सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि मिशन के दौरान में काम आएंगी। रिचर्ड हमेशा ही इन बच्चों का ध्यान रखता है, लेकिन एक दिन जैक नाम का बच्चा रिचर्ड से कहता है कि उसे मिशन पर जाने से डर लग रहा है, जिस पर रिचर्ड उसे समझाता है कि उसे मिशन पर कोई भी खतरा नहीं है। और रिचर्ड को भी बच्चों की फिक्र होने लगी होती है, वो अपनी सीनियर साइंटिस्ट से कहता है कि मैं भी मिशन पर जाना चाहता हूँ। तब साइंटिस्ट रिचर्ड से कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मिशन पर गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे, लेकिन रिचर्ड नहीं मानता है। अब वो दिन आ जाता है जब मिशन शुरू होता है, सभी 30 बच्चों को स्पेसशिप से अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, रिचर्ड भी उनके साथ में जाता है। इसके बाद में कहानी को हम 10 साल बाद देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे जवान हो चुके होते हैं। उन सबको बताया जाता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, साथ ही बताया जाता है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही प्लैनेट पर जिंदा पहुँच पाएंगे क्योंकि तब तक उनमें से बहुत सारे लोग बूढ़े होकर के मर चुके होंगे। इसके बाद में हम सेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रिचर्ड से पूछ रही होती है कि हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम इंसानियत को बचाने वाले हो। रिचर्ड सेल को अपनी फैमिली फोटो दिखाता है जिसे कि वो बहुत ही मिस कर रहा होता है। अगले दिन हम क्रिस्टोफर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस मिशन में साइंटिस्ट होता है। वो अपने कंप्यूटर पर एक केमिकल को चेक कर रहा होता है जो कि उन्हें खाने में दिया जाता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद में क्रिस्टोफर अपने दोस्त जैक के साथ में कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और उसे वहां से पता चल जाता है कि ये केमिकल एक ड्रग है जिससे कि इंसानों के अंदर से खुशी और इमोशन जैसी फीलिंग खत्म हो जाती है। इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि इसी वजह से हम नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। इसके बाद में दोनों उस खाने को खाना बंद कर देते हैं जिसमें कि ड्रग्स होते हैं। इसके बाद में क्रिस्टोफर को स्पेसशिप में एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके बारे में रिचर्ड ने उन्हें नहीं बताया होता। इसके बाद में रिचर्ड क्रिस्टोफर को अपने पास बुलाता है। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सीक्रेट रूम के बारे में पता चल गया है, लेकिन मुझे भी उस रूम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इसके बाद में रिचर्ड कैमरे में एक मैसेज को शूट करता है। वो कहता है कि मैं बच्चों से ज्यादा बातें नहीं छिपा सकता। इसके बाद में वो उस मैसेज को अर्थ पर सेंड कर देता है, लेकिन इस मैसेज को अर्थ तक पहुंचने में 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन लगने वाले होते हैं। इसके बाद में सभी बच्चे खाना खाने के लिए लाइन में लगे होते हैं, तभी क्रिस्टोफर सेल को देख करके अट्रैक्टिव हो जाता है और सेल उसे अच्छी लगने लगती है। वो खाना खाते वक्त भी सेल को ही देख रहा होता है। खाना खाने के बाद में जैक भी सेल की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता है, तभी रिचर्ड उन दोनों से ऐसा करने से मना करता है। अब दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों नॉर्मल इंसानों की तरह इमोशंस को फील कर रहे होते हैं। इसके बाद में दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ पर एडवर्ड स्पेसशिप को देख रहा होता है। वो जैक और क्रिस्टोफर से कहता है कि इस स्पेसशिप के बाहर भी कोई ना कोई एलियन जरूर होगा। वही रिचर्ड सेल को कुछ बीज दिखा रहा होता है जिनसे कि वो स्पेसशिप पर खाना उगाते हैं। इसके बाद में जैक और क्रिस्टोफर शिप में घूमते हुए रिचर्ड के रूम के बाहर आ जाते हैं। रिचर्ड के हाथ को सेल के शोल्डर पर देख लेते हैं, ये देख करके दोनों ही भड़क जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रिचर्ड सबको बताता है कि शिप के बाहर में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है जिससे कि उनका संपर्क अर्थ से टूट गया है, इसलिए मैं शिप को ठीक करने के लिए बाहर जाऊंगा। इसके बाद में सभी रिचर्ड को बाहर भेजने की तैयारी करने लगते हैं, तभी जैक सेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे टच करने लगता है। तभी रिचर्ड जैक को धक्का मार करके सेल से दूर कर देता है। इसके बाद में जैक गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद में रिचर्ड क्रिस्टोफर से जैक के बिहेवियर के बारे में पूछता है, तब जैक कहता है कि हमें पता चल गया है कि तुम खाने में हमें ड्रग्स देते हो, इसलिए हम दोनों ने ड्रग्स लेना बंद कर दिया है। रिचर्ड क्रिस्टोफर को कुछ बताना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे शिप को ठीक करना होगा, इसलिए रिचर्ड क्रिस्टोफर को लेकर के स्पेसशिप के बाहर चला जाता है। इसके बाद हम कंट्रोल रूम में काई को देखते हैं, तभी वहां पर जैक भी आ जाता है। वहीं क्रिस्टोफर और रिचर्ड शिप को ठीक कर रहे होते हैं, तभी अचानक से शिप में एक झटका लगता है जिससे कि रिचर्ड स्पेस में जाने लगता है और वहीं स्पेस शिप में भी आग लग जाती है। ये देखकर के सभी लोग डर जाते हैं, अब सब मिलकर के आग को बुझाने लगते हैं। वहीं क्रिस्टोफर रिचर्ड को किसी तरह से बचा लेता है और वो उसे लेकर के अंदर आ जाता है, लेकिन अब रिचर्ड की हालत खराब होती है, वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है।
सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड मर जाता है। ये देख कर के सब लोग घबरा जाते हैं। तभी एडवर्ड सबसे कहता है कि शिप पर शायद किसी एलियन ने अटैक कर दिया है। तभी क्रिस्टी पर सबसे कहता है कि जो भी हो, हमें इस स्पेस शिप में सुरक्षित हैं। इसके बाद में सभी कैमरे को चेक करने लगते हैं, लेकिन आग की वजह से कैमरे खराब हो चुके होते हैं। इसके बाद में फिर भी सबसे कहती है कि हम में से किसी को न्यू चीफ बनना होगा। तभी जैक चीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी फिर भी कहती है कि चीफ बनने के लिए हमें वोटिंग करनी होगी। इसके बाद में सभी लोग वोट डालने लगते हैं, जिसमें कि क्रिस्टोफर जीत जाता है और उसे नया चीफ बना दिया जाता है। लेकिन जैक को क्रिस्टोफर से जलन होने लगती है। वो क्रिस्टोफर के साथ होने का दिखावा करने लगता है। इसके बाद में क्रिस्टोफर सबसे कहता है कि हमें पहले शिप को सही करना होगा। इसके बाद में सभी मिलकर के जहाज को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं सर रिचर्ड की चीज़ों को देख करके उसे याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है। इसके बाद में सेल क्रिस्टोफर को रिचर्ड की फैमिली की फ़ोटो दिखाती है। वो क्रिस्टोफर से कहती है कि रिचर्ड मेरा अच्छा दोस्त था। इसके बाद में दोनों रिचर्ड के एक वीडियो मैसेज को देखते हैं, जिसमें कि वो कह रहा होता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। सेल और क्रिस्टोफर को रिचर्ड की बात समझ नहीं आती है। इसके बाद में क्रिस्टोफर पूरे शिप का जायजा लेने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि फीवी ही अकेले काम कर रही होती है और कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। क्रिस्टोफर सबसे पूछता है कि तुम सब काम क्यों नहीं कर रहे हो। तभी जैक क्रिस्टोफर से कहता है कि फ्रिज खराब हो गया है, इसलिए हम सब मिलकर के फ्रिज को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा खाना खराब होने से बचता है। तभी वो कहता है कि हमारे पास जो भी खाना है, हमें उसे खत्म करना होगा। इसके बाद में सभी मिलकर के पार्टी करने लगते हैं। अब सभी उस ड्रग वाले खाने को खाने वाले होते हैं। तभी काई सबको रोक देता है और उन्हें बता देता है कि इसमें ड्रग्स है। अब कोई भी उस खाने को नहीं खाता है। इसकी वजह से सभी अग्रेसिव हो जाते हैं और सबके अंदर इमोशंस आने लगते हैं। अब कोई भी काम को नहीं करना चाहता, सब अपनी मर्जी से टीवी को देखने लगते हैं। तभी सेल सब पर चिल्लाती और उन्हें उनके रूम में भेज देती है। तभी जैक सेल से कहता है कि अब तुम्हें बचाने के लिए रिचर्ड नहीं है। ये देख करके सेल डर जाती है और वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ टूल्स और चाकू को छुपा लेती है। अब सभी जब खाना खा रहे होते हैं, तभी एक लड़का हैमर से काई पर अटैक कर देता है। तभी सभी लोग उसे किसी तरह से रोक लेते हैं। अब क्रिस्टोफर सबको काम करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। जैक क्रिस्टोफर से कहता है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। अब एडवर्ड भी कंट्रोल रूम से बाहर आ जाता है। वो भी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में जैक ने भर दिया होता है कि क्रिस्टोफर ने एक एलियन को अंदर छिपा लिया है। तभी फीवी सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। इसके बाद में क्रिस्टोफर जैक को रोकता है। तभी जैक क्रिस्टोफर से कहता है कि मैं अपना ग्रुप अलग बनाऊंगा और हम सब मिलकर के एलियंस को मारेंगे। इसके बाद में वो वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सभी लोग भी चले जाते हैं। अब क्रिस्टोफर सेल फीवी एलेक्स और एड्रिफ्ट ही बचे होते हैं। इसके बाद में क्रिस्टोफर सभी के साथ में सर्विलेंस रूम की तरफ जाने लगता है। तभी जैक भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। अब काई और जैक रूम के अंदर चले जाते हैं। दोनों ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि उनके ऊपर एलियंस ने अटैक कर दिया है। इससे सब लोग डर जाते हैं। क्रिस्टोफर को वहाँ पर कुछ वीडियो टेप मिल जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा खराब हालत में होती है। क्रिस्टोफर उन फुटेज को साफ करने की कोशिश करने लगता है। एडिथ वहाँ पर आ जाती है। वो सबको बताती है कि जैक और काई रूम की चीजों को तोड़ करके नष्ट कर रहे हैं। इससे क्रिस्टोफर समझ जाता है कि जैक उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। तभी वो सीसीटीवी वीडियो चल जाती है, जिसमें कि काई और जैक कंट्रोल रूम में होते हैं। तभी वो देखते हैं कि जैक ने रिचर्ड को जानबूझ करके मारा होता है और ये सब जैक की ही चाल होती है। ये देखकर के क्रिस्टोफर को बहुत गुस्सा आता है। तभी सेल क्रिस्टोफर से कहती है कि हमें ये बात सबको बतानी चाहिए, लेकिन क्रिस्टोफर इसके लिए मना कर देता है। अब जैक रात में सबको पार्टी में बुलाता है। क्रिस्टोफर और सेल भी वहां पर जाते हैं। तभी क्रिस्टोफर सबके सामने वो वीडियो टेप चला देता है, जिसमें कि जैक ने रिचर्ड के तार को खोल दिया था। सब जैक पर भड़क जाते हैं। तभी जैक सबसे कहता है कि रिचर्ड भी एक एलियन था। अब वो एलियन किसी के अंदर भी हो सकता है। सब उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। तभी जैक पीटर को एलियन बता देता है, जिसके बाद में सभी पीटर पर अटैक कर देते हैं और वो उसे मार देते हैं। अब सभी क्रिस्टोफर के खिलाफ हो जाते हैं। कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता। अब जैक अपनी टीम के साथ में शिप के सारे हथियारों को ले लेते हैं। वहीं क्रिस्टोफर अपने साथियों के साथ में छिपा होता है। तभी एडिथ क्रिस्टोफर से कहती है कि हमें भी जैक की टीम में मिल जाना चाहिए, हम तभी जिंदा रह सकते हैं। अब क्रिस्टोफर सबसे कहता है कि हमें उनसे लड़कर के स्पेस शिप पर अपना कंट्रोल करना होगा, इसके लिए हमें हथियार चाहिए। तभी क्रिस्टोफर को सीक्रेट रूम के बारे में याद आता है। इसके बाद में वो अकेला ही सीक्रेट रूम की तरफ निकल जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर को सीक्रेट रूम में सिर्फ एक ही बंदूक मिलती है।
वहीं जैक अब सेल और क्रिस्टोफर को मारना चाहता है। तभी एडिथ और एडवर्ड जैक की टीम में शामिल होने का नाटक करते हैं। तभी काई शिप की लाइट को बंद कर देता है। इसी बीच में सेल और क्रिस्टोफर बाहर आ जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। सेल जैक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में आना चाहती हूँ, जिस पर जैक उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी फीवी सबसे कहती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें शांत होना चाहिए क्योंकि हम सब एक मिशन पर हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। तभी काय उस पर बंदूक से अटैक कर देता है और उसे मार देता है। ये देख करके सेल और क्रिस्टोफर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग करके छिप जाते हैं। लेकिन जैक उन्हें ढूंढ लेता है। लेकिन जब जैक उन पर अटैक करता है तो वो किसी तरह से उससे बच जाते हैं। अब दोनों एक रूम में जाकर के छिप जाते हैं और स्पेस सूट को पहन लेते हैं। उस रूम के स्पेस दरवाजे को खोल देते हैं। अब जैसे ही जैक रूम में आता है तो वो स्पेस में चला जाता है और मर जाता है। इसके बाद में क्रिस्टोफर सेला सबको आकर के बताती है कि जैक अब नहीं रहा, इसलिए हम सबको शांत हो जाना चाहिए और हमें अपने मिशन पर चलना चाहिए। इसके बाद में सभी लोग क्रिस्टोफर की बात मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर की लीडरशिप में बहुत सारे दिन गुजर चुके होते हैं और उन सब लोगों के बच्चे भी हो चुके होते हैं और बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं। अब सभी को शिप पर रहते हुए 86 साल हो जाते हैं और वो प्लानेट पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि ये प्लानेट भी पृथ्वी की तरह ही होता है। और इसी के साथ में इस फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।